बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। बीएड की ऑनलाइन क्लासेस हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन जो आज हम कवर करेंगे वो है डिफाइन स्कीम्स, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास चार डेफिनेशन हैं जिनको आज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले स्कीम। तो स्कीम की बात है तो आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसके लिए फ़लाँ जो माशरे का ग्रुप है, तबका है, उसको फ़ायदा हुआ। गरीब तबके के लिए फ़लाँ स्कीम लॉन्च की गई, ये प्राइवेट स्कीम है। तो स्कीम में क्या चीज़ होता है, हम अक्सर यूज़ तो करते हैं कि मेरी स्कीम ये है। तो मतलब हम उससे लफ्ज़ तो हम यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली इससे मतलब क्या लेते हैं। स्कीम्स आर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट चिल्ड्रन शो इन डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स, कि जो चीज़ें हैं उनके साथ बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ उनके साथ अफिलेशन हो जाती है, कुछ के साथ उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, और कुछ से वो अवॉइड करते हैं। इस तरह दोस्तों में भी कुछ के साथ उनकी अफिलेशन हो जाती है, कुछ के साथ उनकी जो है वो उनको अवॉइड करते हैं, या डेली जो उनकी लाइफ में अर्ली जो उनका पीरियड होता है उसमें भी वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि उनकी दिलचस्पी होती है। लेट्स सपोज कोई बच्चे होते हैं वो कार्टून देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ होते हैं कार्टून टीवी नहीं पसंद करते, ड्रामा देखते हैं, या फिर कुछ इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिनको कुछ भागना दौड़ना एक्सरसाइज करना, या फिर दूसरे बच्चों के साथ खिलौनों के साथ खेलना, या दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खिलौने पसंद नहीं करते। तो ये उनकी एक पैटर्न होता है जिससे वो बिहेवियर उनका शो हो रहा होता है, और वो ऐसे नहीं होता, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। जो उनको सूट करता है उसको वो लाइक करते हैं, जो उनको सूट नहीं करता उसको वो डिसलाइक करते हैं। तो इस पूरी डेफिनेशन में आपने जो चीज़ें कंसीडर करनी है, स्कीम और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, तो आपने ये जो वर्ड हैं ये याद रखने हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ये दैट चिल्ड्रन शो इन डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उनका डीलिंग कैसे होती है, उनका पैटर्न क्या है बिहेवियर का। तो अल्टीमेटली ये इसका मतलब है स्कीम का, जब बच्चों की डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपने शायद पहले लफ्ज़ ना सुना हो, इसका मतलब क्या होता है, रिजेंबल करना, मिलना जुलना, या किस तरीके से वो मैच करता है। कुछ बच्चे शक्ल के लिहाज से कुछ माँ के साथ एसिमिलेट कर रहे होते हैं, कुछ बाप के साथ कर रहे होते हैं, कुछ बात करने के स्टाइल से एसिमिलेट कर रहे होते हैं बहन भाई आपस में, और कुछ एक दूसरे से डिफरेंस कर रहे होते हैं। तो एसिमिलेट होता है एक जैसी चीज़ें एक जो दो मुख्तलिफ लोगों में पाया जाना। न्यू थिंग्स आर कंसीडर्ड एज रिजेंबलिंग ओल्ड वंस एंड एडजस्टेड इन ओल्ड बिहेवियर पैटर्न, कि जो न्यू लर्निंग्स होती हैं उनको उनकी बेसिस उनको बनाया जाता है, और ओल्ड जो लर्निंग है उसको अपडेट किया जाता है और उसको जो है रीएडजस्ट किया जाता है। तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अगर आपने पहले नहीं सुना तो इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप फंस गया कहीं पे भी जाते हैं तो अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, हॉस्टल में रखते हैं या घर किराए पर लेते हैं, या फिर आपकी ऑफिस में जाते हैं तो आप कुछ लोगों के साथ अपने आप को अकोमोडेट करते हैं। जो उनका एक तर्ज अमल होता है वो आपके तर्ज अमल से मुख्तलिफ होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू एडजस्टिंग द ओल्ड पैटर्न्स टू अकाउंट फॉर न्यू वंस, यानी कि जो ये रेफर करता है एडजस्टिंग द ओल्ड पैटर्न, यानी कि जो पहले से पैटर्न है, टू अकाउंट फॉर न्यू वंस, यानी कि जो आपके नई तर्ज अमल है उसके साथ आप एडजस्ट करते हैं, यानी कि ओल्ड पैटर्न अपनी जगह पे रहता है और जो आपका आने वाला है उसके साथ आपने मैचअप करना होता है और उसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो इसके बाद हमारी लास्ट डेफिनेशन जो है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम आपने अक्सर सुना होगा, ये मुतवाजन है, यानी कि जब चीज़ें आप एक चीज़ को मूव करते हैं वो जब गिरती है तो वो उसके अंदर मूवमेंट रहती है, लेकिन एक टाइम आता है वो एक जगह पर एडजस्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम मुतवाजन हो जाता है, यानी कि उसके अंदर उसके बाद मज़ीद इतनी शेकी नहीं होती, वो शेकिंग नहीं करता बल्कि स्टैंड स्टिल हो जाता है, एक जगह पे रुक जाता है। तो व्हेन ऑर्गेनिजम्स
फेल टू हैंडल न्यू सिचुएशन, एक शख्स है किसी नई सूरताल को उसको सामना हैंडल नहीं कर पाता, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली लर्न बिहेवियर, जो उसने पहले बातें सीखी उनको एडजस्ट करता है, उन्हीं की बेसिस पे वो हैंडल करने की कोशिश करता है। इन इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड, यानी कुछ नॉर्मल रूटीन की चीज़ें चल रही होती हैं, जब नई चीज़ के सामने आता है तो उसको पुराने हिसाब से वो हैंडल करने की कोशिश करता है, और नई सिचुएशन जो है उसके लिए इन इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि वो गैर मुतवाजन हो जाता है। ही डिवेल्प न्यू स्कीमा अंटिल द इक्विलिब्रियम इज स्टोर्ड, फिर वो अपने रवैये के अंदर ऐसी चीज़ें करता रहता है ता वक्त ये कि वो नई चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, और वो भी उसको इतनी पंच ना करें और डिस्टर्ब ना करें। दिस प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग बैलेंस इज इक्विलिब्रियम। तो ये जो हैंडी जो शेकी और हैंडी जो एक इन्वायरमेंट होता है उसके बाद जो एडजस्टमेंट होती है, और उस एडजस्टमेंट के बाद वो एक सुकून आ जाता है इंसान के बिहेवियर में, सोच में, और उसके पैटर्न ऑफ लाइफ में जो डील कर रहा होता है दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये जो तरीक़ाकार होता है एडजस्ट करने वाला मामला, नई सूरत हाल के बावजूद भी और पुराने पैटर्न के होते हुए भी, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये थी आज की हमारी डेफिनेशन का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए ज़्यादा दीजिए खुदा।